होगा हाथ धोना, यहाँ नहीं धोने की गदवाई है, नहीं हाथ वही धोले किसपे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज आरती की बारात आनी थी और आज कल जो है इनके पिता का शव इन्हें मिलता है। पिता की फोटो लिए हाथ में बैठी हुई हैं। बेटियों का और पिता का एक बहुत ही अच्छा और गहरा संबंध होता है अपनी बेटी के लिए। जब उन्होंने देखा कि वो इंसान ठीक नहीं है, रिश्ते के लिए मना कर दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रिश्ते के लिए मना करना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा कि उन्हें ही मार कर नहर में फेंक दिया जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, इस परिवार को इंसाफ दिलवाने में मदद करें और आप लोगों का एक शेयर बड़ा कीमती हो सकता है इस परिवार को इंसाफ दिलवाने में। आपने अपनी बेटी का रिश्ता देने से प्रदीप को मना कर दिया, बट सुना आपने अपनी बहन की सगाई उससे करवाई थी। जी, क्या क्या मामला है पूरा, कब सगाई करवाई? जी, सगाई मैंने जनवरी में करवाई थी, 28 या 27 की क्या कहते हैं, मैंने गोद भराई और उसका रोका किया था। एक साथ फोटो अभी मेरे पास है नहीं, मगर हाँ दिखाऊंगी आपको फोटो भी। ये फोटो है दोनों प्रदीप और मेरी बहन की, संजय भी है, संजय के चाचा भी है, सारा फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया जब आपने सगाई अपनी बहन से करवा दी थी बेटी की बजाय? विश्वास नहीं हुआ था। क्या मेरी बहन ने ये कहा था, मेरा भाई का ऑपरेशन हुआ रीढ़ की हड्डी का, बहन मेरी बहन का ये कहना था कि मैं तेरी हूँ, मगर मेरे भाई को थोड़ा आराम तो होने दो, खड़ा तो होने दो, तभी मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ। ऐसे मतलब शादी लेट हुई इस वजह से, विश्वास नहीं था। हाँ जी, वो कहना कहते कि मेरा भाई जब तक आराम नहीं होता, उसको ठीक नहीं होता, तब तक मैं आपके साथ शादी नहीं करूँगी। अच्छा, मगर करूँगी, लेट करूँगी। आपकी बहन यहाँ आई हुई है? नहीं, तो अब तो फिर नहीं करेगी वो शादी। अब कैसे करेगी, मैं अपने दुश्मनों के साथ कैसे शादी कर सकती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना भी रोक नहीं कर सकते थे कि मेरे भाई का ठीक होने का इंतजार। कोई प्रदीप की फोटो है आपके फोन में, प्रदीप संजय की, ताकि लोगों को उनका चेहरा भी तो दिखे ना? मेरे भाई के जी सगाई, संजय और प्रदीप, उनका चाचा, तीनों पांच जने आए हैं, तो उनके मैं फोटो भी दिखा सकती हूँ, मगर इस टाइम मेरे पास कोई फोटो नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल लगा है सफेद टेंट, क्योंकि एक पिता को मार कर घेर दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मना किया कि मैं एक 40 साल के व्यक्ति की शादी अपनी 20 साल की बेटी से नहीं करवाऊंगा। जब रिश्ते को ठुकराया गया बेटी के कहने पर, तो पिता को उसका अंजाम इतना ज़्यादा महंगा पड़ा कि उसको मार कर पास के घर के पास की ही नहर में मार कर फेंक डाला। उसके बाद आज की अगर मैं बात करूं, जहां आज बारात आनी थी लड़की की, उसकी जगह पर उसके पिता का शव यहां पहुंचता है, जिसको फिलहाल संस्कार के लिए ले जाया जा चुका है। एक बार घर वालों से भी आगे चलकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में बड़ी ताकत होती है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आरोप घर वाले लगा रहे हैं संजय और प्रदीप नाम के युवक पर, अगर वो सच्चे हैं तो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए। नीरज की माँ इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिसे बड़ी बेरहमी से मार कर नहर में फेंक दिया गया। एक बार उनसे बातचीत करते हैं। आंटी, कैसे हुआ ये, क्या आप बताना चाहोगे? बेटे घर से बुला, फोन करा था घर से बुला, बोले नहर पे थोड़ी बात करनी है, मैं यहाँ पर नहीं थी, मेरा बेटा बुला दे और मेरे बेटे की हत्या रात को कर दे, बच्चा मार दिया मेरा बेटा, बेटी मेरा कोई भी नहीं रहा, ओ मेरा नीरज, प्रदीप संजय ने मेरा बेटा मार दिया। एक ही बेटा है आपके पास? तीन थे। मैं बेटा मार दिया, मेरे पक्के को मांगे थे, मैं दिए, उन्होंने धमकी दी अपनी लड़की को, दे दे नहीं तो तुझे मारेंगे। कौन सी लड़की का हाथ मांगा था उन्होंने? वो आरती, मेरी आरती। कितने, एक मिनट,
कितने साल का था वो व्यक्ति प्रदीप जो हाथ मांग रहा था आपकी? 40 साल का था बेटा। तो आप लोगों ने मना किया फिर? बेटा मुझे नहीं मिला, यहाँ फोन में आया के प्रदीप मुझे यहाँ बुला रहा, संजय प्रदीप और के नाम मुझे बुला रहा, मुझे 5 मिनट में मैं ही आ लूंगा, इतनी बार में बेटा मेरा टाइम। उसकी माँ सगन लेके भी आई थी? उसकी माँ टोन भी गए, जवाब दे दिया मेरे दोनों बेटे यहाँ नहीं है, उन्होंने मेरे बेटे की हत्या कर दी। बेटे मेरे बेटे मेरे घर में वो ही था करा दारी, बेटे मेरा कोई भी नहीं रहा, मेरी पोती उनको गोड़ दे। तो आप देख सकते हैं आरती इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिसके पिता को बेरहमी से जो है उनका कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आरती को एक लड़का प्रदीप नाम का एक जो है व्यक्ति, मैं कहूंगी 40 वर्षीय जिसकी उम्र है, वो पसंद करता था। सगन लेकर वो इनके घर पर आए थे, जब इन लोगों ने मना किया, आरती ने मना किया, तो इस तरीके से इसके पिता की जान ली जाती है। आप देख सकते हैं हाथों में फिलहाल आरती के मेहंदी लगी हुई है। आज जो है बारात आनी थी और उससे पहले जो है अपने पिता का शव जो है दिखता है और संस्कार के लिए फिलहाल शव को भेजा गया है। एक बार बातचीत कर लेते हैं आरती से। आरती क्या कुछ बताना चाहोगे, कैसे हुआ है ये, कौन है प्रदीप संजय जिसके बारे में ये सब चीजें चल रही हैं? प्रदीप संजय मेरे पापा के दोस्त थे। तो दोस्त थे, उन्होंने फादर के फोन में तुम्हारी फोटो देखी थी? जी, वॉलपेपर पे उन्होंने फोटो देखी थी। जी, तब से वो शादी करना चाहते थे, तो शादी के लिए मैंने ना कर दी थी इस वजह से। तुमने इसलिए ना की थी क्योंकि एज बड़ी थी? एज भी बड़ी थी और क्या कहते हैं, वो कुछ करते भी नहीं थे खास। सबसे बड़ी तो इशू यही है कि उनकी एज कितनी थी और मेरी एज कितनी है। जी, और मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी। नहीं शादी करना चाहती थी, लेकिन पता होता अगर ये सब हो जाएगा तो शायद तुम भी मान जाती पहले? नहीं मानती तो ना, लेकिन हम पहले से चौकन्ने हो जाते और पापा को ऐसे अकेले ना जाने। पहले शुरुआत में कुछ लग रहा था कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। उसकी माँ यहाँ पर सगन लेकर आई थी तो मना कर दिया था आप लोगों ने। आपके फादर की कोई फोटो है आपके पास? एक बार दिखा दो।